देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स अस डू दिस, यानी कि हम यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज दी है, गेट टूगेदर विथ 3 or 4 फॉर योर फ्रेंड्स, यानी कि ये एक्टिविटी है वो आप 3 या 4 फ्रेंड्स के साथ आप ये कर सकते हैं। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन डिसाइडेड हू विल ब्रिंग व्हिच थिंग्स, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको डिसाइड करके किसी एक को सारी चीज़ें लानी है। अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, टम्बलर ऑफ बॉटल विथ अ वाइड माउथ, रबर बैंड और थ्रेड, सम सीड्स ऑफ मूंग, वीट, बाजार, मस्टर्ड, चना यानी कि जो थिक पी होते हैं वो, और राजमा यानी कि जो रेड बीन्स होते हैं, एंड अ वेट ऑफ कॉटन वूल, यानी कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे कि जो रबर बैंड आता है वो, ट्रांसपेरेंट ग्लास, कुछ सीड्स जैसे कि मूंग दाल या फिर वीट या फिर बाजरा या फिर मस्टर्ड या फिर चना या फिर राजमा, ऐसे जो भी सीड्स होते हैं वो आपको लेने हैं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है ऑफ बॉटल के लिए, देन एक रबर बैंड लेना है और एक आपको कॉटन वूल यानी कि जो गीला हुआ कॉटन होता है वो आपको लेना है। यहाँ पे एक एक्टिविटीज दी है वो देखते हैं। ईच ग्रुप विल वर्क विथ अ ओनली वन काइंड ऑफ सीड्स, यानी कि सारे ग्रुप को ये वर्क करना है। सोक अ फ्यू सीड्स 5 या फिर 6 ओवरनाइट इन अ बाउल फुल ऑफ वाटर, यानी कि जो भी आपने सीड्स पसंद किए हैं यानी कि जो भी आपने सीड्स चूज किए हैं उसको आपको एक बाउल में फुल ऑफ वाटर यानी कि पानी भर के उसमें आपको जो सीड्स है वो भिगो के पूरी नाइट यानी कि एक रात के लिए आपको वो सीड्स को भिगो के रखना है। टेक अ वेट ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट, यानी कि आपको एक कॉटन लेना है उसको आपको भिगो के रखना है। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, टाई इट नाइट टू द माउथ विथ रबर बैंड और थ्रेड, यानी कि आपको क्या करना है कि जो भी आपने भिगोए हुए जो भी सीड्स है उसको बाहर निकाल के आपको जो गीला हुआ कॉटन है उसमें रख के आपको एक रबर बैंड लगवा देना है या फिर उसमें आपको थ्रेड से उसको बंद कर देना है। पुट इट वन द माउथ ऑफ द टम्बलर, देन क्या है, रिमूव सोक द सीड्स फ्रॉम वाटर एंड प्लेस देम ऑन द कॉटन वूल, यानी कि आपको क्या करना है फिर उसको रिमूव कर देना है कॉटन वूल से और उसमें पानी से भिगो के जो कॉटन वूल है उसमें आपको सीड्स रखना है। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई, यानी कि आपने जो भी सीड्स कॉटन में रखे हैं यानी कि भिगो हुए कॉटन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉटन है वो ड्राई ना हो जाए। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days, यानी कि फिर आपको उसको 10 to 12 days के बाद फिर उसको आपको देखना है। डिड यू ऑब्जर्व द सेल्डिंग कम आउट ऑफ द सीड्स, ड्रो अ पिक्चर ऑफ द सेल्डिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and 8th days, यानी कि क्या करना है कि जो भी आपने 10 to 12 days के बाद आपने जो भी ऑब्जर्व किया है वो आपको नोटबुक में लिखना है और आपको ऐसे यहाँ पे 4 days में क्या देखा और देन 8 days के बाद आपने क्या देखा वो आपको बताना है। तो आपने ये एक्टिविटीज़ की होगी तो आपको पता चलेगा कि जब जो सीड्स होते हैं वो ऐसे हमने कॉटन यानी कि भिगोए हुए कॉटन में रखे तो तब उसके बाद उसमें से छोटे छोटे जो मनी प्लांट्स होते हैं वो उसमें से ग्रो होते हैं। तो आप जब ये एक्टिविटीज़ करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि जो हमने कॉटन में जिसके जो सीड्स हमने रखे थे भिगोए हुए कॉटन में तो उसमें से ऐसे 10 to 12 days के बाद उसमें से कुछ छोटा छोटा मनी प्लांट उसमें से ग्रो होने लगेगा, देन यहाँ पे वो आपको पिक्चर चिपकानी है। देन नेक्स्ट क्या है, राइट इन योर नोटबुक, यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए उसके आंसर हम यहाँ पे नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स आफ्टर लुकिंग कंपेयर विथ ड्राई सीड्स एंड राइट, यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि आपने जो भी ऑब्जर्व करके देखा है वो यहाँ पे लिखना है, देन ड्राई सीड्स यानी कि जब वो सूख जाते हैं उसके बाद क्या देखा है आपने वो दोनों कंपेयर करके यहाँ पे आंसर बताना है।
देन हाउ कैन वी राइट आंसर. सीड्स गेट स्वॉलन आफ्टर सोकिंग वाटर एंड स्प्राउटेड आफ्टर टू डेज व्हाइल ड्राई सीड्स डिड नॉट स्वॉलन एंड सपोर्ट. यानी कि जब जो हमने गीला हुआ कॉटन के अंदर जो हमने सीड्स रखे थे उसमें से कुछ जो मनी प्लांट्स होते हैं वो छोटे से उगते हैं. अगर हम वो कॉटन जो है उसको भिगोए हुए नहीं रखेंगे यानी कि जब ड्राई हो जाएगा तो उसमें से कुछ भी जो मनी प्लांट्स जैसा है वो जो ग्रो होना बंद हो जाता है. तो अगर आप ये एक्टिविटीज करोगे तो वो आपको पता चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वुड हैड बीन लेफ्ट ड्राई. यानी कि जो हमने भिगोए हुए कॉटन रखे थे वो अगर ड्राई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. इफ द कॉटन वुल हैड बीन लेफ्ट ड्राई देन द सीड्स विल नॉट सपोर्ट. यानी कि जो भिगोया हुआ कॉटन है वो अगर ड्राई हो जाएगा तो उसमें से कुछ भी जो प्लांट है वो ग्रो होना बंद हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो. यानी कि जो रूट्स ग्रो होते हैं वो कौन से डायरेक्शन में होता है. एंड द स्टीम. द रूट्स ग्रो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द स्टीम ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यानी कि जो रूट्स यानी कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो डाउनवर्ड्स के नीचे यानी कि डाउन डायरेक्शन में ग्रो होती है. देन उसकी जो स्टीम्स यानी कि जो उसकी टहनियाँ होती है वो अपवर्ड यानी कि वो ऊपर की और डायरेक्शन में ग्रो होती है. तो जो हमने एक्टिविटीज की थी उसके हमने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हाउ बिग डिड द प्लांट्स ग्रो इन द कॉटन वुड. यानी कि जो हमने कॉटन वुल में जो बीज भिगोए हुए रखे थे तो उसमें से कितनी इंच तक जो प्लांट है वो ग्रो होता है. देन हाउ कैन बी राइट आंसर. द प्लांट ग्रो अप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर. यानी कि वो 4 सेंटीमीटर तक ऐसे बड़ा जो प्लांट है वो ग्रो होता हुआ हम देख सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. डिड स्मॉल प्लांट कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स. यानी कि क्या सारे सीड्स के ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. यस, स्मॉल प्लांट्स डिड कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट्स. यानी कि जब आप ये एक्टिविटीज करोगे तो उसके रूट्स का कलर क्या होता है वो आपको फाइंड आउट करना है. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. द कलर ऑफ द सीड्स इज ऑफ व्हाइट. यानी कि उसकी जो रूट्स है वो देखेंगे तो आप उसको ऑफ व्हाइट कलर के आपको दिखने लगेंगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स. यानी कि क्या उसके हेयर भी ऐसे रूट्स में से उगते हैं. देन हाउ कैन बी राइट आंसर. यस, आई नोटिस द हेयर ऑफ द रूट्स आफ्टर 8 डेज. यानी कि आप उसको 8 डेज के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसमें से कुछ ऐसे छोटे छोटे हेयर भी आपको उसके रूट्स में से दिखने को मिलेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ट्राई एंड पुल आउट 1 लिटल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वुल. वेर यू एबल टू पुल इट आउट वाई. यानी कि आप अगर ये ट्राई करना कि जो कॉटन वुल है वो अगर सूख जाए उसके बाद जो हमने प्लांट जो उगाया था उसको आप खींचना यानी कि पुल आउट करने करोगे तो क्या ये हो सकता है. देन हाउ कैन बी राइट आंसर. राइट आंसर. यस, आई वॉज एबल टू पुल आउट बट विथ मच एफर्ट एज द रूट्स मे ड्राई विथ द कॉटन. अगर हम ये ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि अगर जो हमने भिगोया हुआ कॉटन है वो अगर सूख जाएगा तो तब भी हम उसमें से जो प्लांट है उसको पुल आउट यानी कि उसको खींच सकते हैं, अदरवाइज नहीं. क्योंकि जब गीला हुआ कॉटन है उसके जो प्लांट्स में से जो प्लांट उगा ग्रो हुआ है उसको हम खींचने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा. अगर ड्राई हो जाएगा तो हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो वो होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Did you see how the roots dry up the cotton wool? यानी कि क्या आपने देखा है कि जो dry cotton wool है वो कैसे roots है उसको वो सूख जाते हैं. Did you think that the roots hold the soil in the some days? Also look at the plants grow by your friend. यानी कि क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जो सॉइल है उसमें जो रूट्स होते हैं वो बहुत फैले हुए होते हैं या फिर उसको स्ट्रांगली उसको पकड़ के रखते हैं वो आपने देखा है. ऑल्सो लुक एट द प्लांट्स ग्रो बाय योर फ्रेंड. यानी कि आपके फ्रेंड ने भी जो भी प्लांट्स ग्रो किया है यानी कि जो भी प्लांट्स उसने उगाए थे वो भी आपको ऑब्जर्व करना है. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. यस, आई डिड सी हाउ द रूट्स ड्राई द
कॉटन वुल, यानी कि यस मैंने देखा है कि जो कॉटन वुल है उसके कैसे जो रूट्स है नीचे की ओर निकले हैं उसको कैसे सूख जाते हैं वो मैंने देखा है। यस आई थिंक रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सम मैनर, यानी कि यस के उसकी जो रूट्स होती है वो कैसे सॉइल में ऐसे उसकी जो रूट्स होती है वो कैसे सॉइल में ऐसे फैली हुई होती है। Also the roots of the plants grow by my friend also made dry with the cotton wool, यानी कि इस मेरे फ्रेंड ने भी जो ऐसे उसने जो प्लांट उगाया था उसको वैसे ही हुआ है। Then next क्या है, do you know, यानी कि क्या आपको पता है, desert oak is the tree that it found in Australia, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में भी ऐसे कुछ बड़े बड़े से ट्रीज होते हैं। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, यानी कि वो जो ट्रीज होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि आपकी क्लासरूम के जैसे इतने बड़े होते हैं। इट हैज वेरी फ्यू लीव्स, यानी कि वो ट्रीज के कुछ थोड़े से ही लीव्स होते हैं। गेस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन, यानी कि क्या आप सोच सकते हो, यानी कि आप गैस कर सकते हो कि जो उसकी जो रूट्स है वो कितनी दूर तक फैली हुई होगी सॉइल में। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन अ लाइन एंड टू एंड, अगर हम ऐसे 30 बड़े बड़े पेड़ को मिला देंगे तो इतने बड़े से वहाँ पे पेड़ होते हैं। वन आफ्टर अनदर, यानी कि ऐसे ही 30 बड़े बड़े हम पेड़ को मिला दे तो उतने बड़े बड़े वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। दैट इज हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी, यानी कि क्या आप सोच सकते हो इसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे बड़े बड़े से होंगे और वो सॉइल में कितने दूर तक फैले हुए होंगे। दीज रूट्स गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, यानी कि उसके जो रूट्स होते हैं वो इतने दूर तक फैले हुए होते हैं जहाँ तक जमीन में पानी उसको मिले वहाँ तक उसके रूट्स दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, यानी कि उनकी तनों में भी पानी जमा रहता है। ट्रंक यानी कि जो उसकी तने होती है वो। लुक पीपल, लोकल पीपल नो अबाउट दीज, वेन देर वॉज नो वाटर इन द डेजर्ट द लोकल पीपल यूज टू पुट अ थीन पाइप इन टू अ ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दीज वाटर, यानी कि उसकी ये एक अच्छी बात है वहाँ के पेड़ों की कि वहाँ पे जो रूट्स होते हैं उसके जो पेड़ों के रूट्स होते हैं वो इतने दूर तक ज़मीन में फैले हुए होते हैं कि जहाँ पे उनको ज़मीन में से आसानी से पानी की गहराई तक वो पहुँच सके। और वहाँ की एक और खासियत की बात है कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे कभी कभार ऐसे डेजर्ट में यानी कि वहाँ पे पानी नहीं मिलता है तो वो लोग ये कर सकते हैं कि वहाँ पे जो डेजर्ट में से बड़े बड़े पेड़ हैं उसमें ज़मीन के अंदर जो ये जो लोग छोटी सी पाइप डालेंगे तो उसमें से भी वो लोग पानी निकाल सकते हैं पानी पीने के लिए। तो ये उसकी एक बहुत ही अच्छी सी बात है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट ग्रोज। अरिफ एंड रूपाली डी द अबोव एक्टिविटीज, यानी कि अरिफ और रूपाली ने भी ये आगे जो एक्टिविटीज़ की थी उसके अकॉर्डिंग ही कुछ यहाँ पे बताया है। दे शो द सिल्डी ग्रोज व्हेन आस्क व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, यानी कि रूपाली एंड अरिफ ने भी जो आगे वाली हमने सिल्डिंग वाली एक्टिविटीज़ देखी थी कि जिसमें से कॉटन भिगोए हुए कॉटन में से हमने जो बीज रखे थे उससे यानी कि सीड्स रखे थे उसमें से कैसे छोटा सा मनी प्लांट ग्रो हुआ था, ऐसे ही अलिफ और रूपाली ने भी यहाँ पे कुछ ग्रो हुए देखा। दे हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट थिंग दैट ग्रो, यानी कि ऐसे कुछ और भी डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ है जो उन्होंने ग्रो किया हुआ है यानी कि जो ग्रो हुए देखा है वो यहाँ पे बताया है। अरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ फॉलो लीव्स मुन्ना बर्ड पपी नेल्स फिश, यानी कि अरिफ ने जो फाइंड आउट किया ग्रो होते हुए और क्या क्या ग्रो हो सकता है तो अरिफ ने फाइंड आउट किया कैसे लीव्स यानी कि पत्ते मुन्ना बर्ड पप्पी नेल्स फिश भी ग्रो होते हैं। देन रूपाली ने क्या लिस्ट बनाया ग्रो हुए होते चीज़ों का, मून ट्रीज आई यानी कि मैं हेयर वाटरमेलन मॉस्किटो ग्रो, यानी कि रूपाली ने लिस्ट बनाई कैसे मून ट्री मैं भी बड़ी होती हूँ हेयर भी बड़े होते वाटरमेलन भी मॉस्किटो और ग्रो भी बड़ा होता है। तो
तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि जो रूपाली के लिस्ट में बता है फर्स्ट है मून। तो आपको पता है कि जो मून होता है वो बड़ा नहीं होता है, क्योंकि मून हमारी पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है और अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से सूरज की रोशनी पे पड़ता है। तो जितनी जगह पे उसकी रोशनी पड़ती है हमें उतनी ही सरफेस यानी कि दीवार यानी कि उसकी जो सरफेस होती है वो दिखाई देती है, इसीलिए हमें लगता है कि जो मून होता है वो बड़ा होता है, मगर वो वैसे का वैसा ही रहता है और हमें जहाँ पे दिखाई देता है कि वो बढ़ता है यानी कि उसके देख के हमें ऐसा लगता है कि जो मून होता है वो बड़ा है, बट मून इज अ नॉट लिविंग थिंग्स यानी कि वो ऐसे ग्रो नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू थिंक यानी कि क्या आप सोच रहे हैं, विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्ट बाय अरिफ एंड रूपाली ग्रो यानी कि हमने देखा कि जो अरिफ एंड रूपाली ने जो लिस्ट बनाया था ग्रो होते हुए उसमें क्या कुछ सोच सकते हो, जैसे कि हमने आगे मून वाला एग्जाम्पल देखा कि जो मून है वो अक्सर बड़ा नहीं होता है पर हमें दिखाई देता है कि जो मून है वो बड़ा होता है, क्योंकि जो मून है वो सूरज की सरफेस में यानी कि उसके अराउंड आसपास डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे घूमता है, इसीलिए हमें दिखाई देता है कि जो मून है वो बड़ा होता है। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मेक योर वन लिस्ट थिंग्स दैट ग्रो यानी कि आप क्या करना है कि आप क्या सोच सकते हो और कौन सी चीज़ें होती है जो ग्रो होती है, योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम थिंग्स दैट आर इन अरिफ एंड रूपाली लिस्ट यानी कि जैसे अरिफ और रूपाली ने लिस्ट बनाई थी कि कौन सी चीज़ें ग्रो होती है, वैसे ही आपको आपकी बुक में भी ऐसे फाइंड आउट करके आपको लिस्ट बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आप अपने आप से भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, थिंक अबाउट योर सेल्फ इन वॉट वेज हैव यू चेंज ओवर अ प्रोवाइड ऑफ टाइम यानी कि क्या आप सोच सकते हो अपने आप की कैसे हमारा जो टाइम है वो कैसे बदलता हुआ जाता है और हम कैसे ग्रो होते हैं, हैव यू ग्रो इन एनी वे यानी कि क्या आप बढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल हैज योर हाइट इंक्रीज यानी कि आपकी हाइट भी बढ़ती होगी, हैव मच टॉलर, हैव यू ग्रो इन द लास्ट वन ईयर यानी कि आप एक साल के पहले कितने इंच के थे और अभी आप कितने इंच के हैं वो आप फाइंड आउट करके भी आप सोच सकते हो कि हम कैसे ग्रो होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फिंगर इन द नोटबुक टू शो हाउ दे वुड हैव लुक्ड यानी कि आप अपने कभी अपनी नेल्स जो है वो नहीं कट किए हुए, अगर आपने जो अपने नेल्स हैं वो नहीं कभी काटे हैं तो उसकी आपको पिक्चर आपको फिंगर्स के अकॉर्डिंग करके आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है और देखना है कि वो कैसे दिखते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, उससे भी आप पता कर सकते हो कि आपकी नेल्स हैं वो कैसे बढ़ते हैं तो वो आप भी ये कर सकते हो। देन नेक्स्ट लास्ट क्या है, व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सम पीपल कट इट रेगुलरली कीप ग्रोइंग यानी कि ऐसे कौन से और बॉडी के पार्ट्स हैं जो आप हर रेगुलरली कट करते हो, मगर कौन से जो ऐसे पार्ट्स होते हैं वो ऐसे ग्रो होते हैं तो वो आप फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि जो हमारे हेयर है वो ग्रो होते हैं, हमारे नेल ग्रो होते हैं, वैसे ही आप और के बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे ग्रो होते हैं वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है। देन यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है अब्दुल इन द गार्डन वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।